हाँ जी, ये देखिए, आज ये मेरी वाइफ है, ये मेरे से जीएसटी की क्लास लगाने आई है। और ये अकेली नहीं आई, इनकी सहेलियां भी आई हैं। और उनको अगर सही समझ में आ गया, देखो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, थोड़ा और नजदीक आ जाओ, ये और आ जाओ जी। आई सहेली आई है, और ये इनकी सहेलियां हैं, ये भी क्लास करने आई हैं। अच्छा, इन ये भी पहली क्लास, ये भी फ्री में लगा रही हैं। कह रहे रब ने बना दी जोड़ी नालायक। ये भी फ्री में लगा रहे हैं। मुझे बताइए, मेरी वाइफ की सहेलियां, क्या ये रिलेटेड पर्सन है मेरी या नहीं है? जोधपुर मजे लेने में लगे, कह रहे मुंह दिखाई करा दो तुम्हारी। अभी मुंह दिखाई करा दे। अभी पेमेंट मांगने हाँ, ये बताइए, ये जो ये है, इनको भी, ये भी फ्री क्लास लगा रही पहली, तो इनसे इनसे मैंने कुछ पैसे नहीं लिए क्या? पहली क्लास के लिए ब्लू शर्ट वाली भी सहेली है, तुम मजे ले लो, ब्लू शर्ट वाली भी सहेली है। हाँ, ब्लू शर्ट वाली भी सहेली है। तो बताइए, क्या ये इन्होंने फ्री में क्लास लगाई, तो इनके लिए मेरे को कोई जीएसटी जमा कराना है कि नहीं कराना? वो इंक्लूड पार्ट में आ जाएगा ये। हाँ, ये इन्हें सप्लाई नहीं माना जाएगा। लेकिन ये जो मेरी वाइफ है, जो ये अपने फ्रेंड्स को लेके आई है, क्या अगर मैंने इनसे कुछ नहीं चार्ज किया, पर्पस क्या है? बिजनेस को बढ़ाना। क्या मेरे को जीएसटी देना पड़ेगा इनके लिए? भटिंडा कह रहे शर्मा रहे, और क्या, पहली बार अपनी वाइफ को लेके आऊं, शर्म नहीं आएगी मेरे को? तो बताइए, क्या इसके लिए मेरे को यहां पर सप्लाई माना जाएगा और जीएसटी देना पड़ेगा? हाँ, उन्होंने शेड्यूल वन में क्या लिखा है, सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो जीएसटी देना पड़ेगा। चलो जी, सहेलियां जाएं अभी। नहीं, वाइफ तो यहीं रहे। अब सुनो, दूसरा एग्जाम्पल सुनो। मैंने अपनी वाइफ को ये क्लास करने के लिए नहीं बुलाया, अपने घर में ही पढ़ाया। अब मुझे ये बताइए, मैंने अपनी वाइफ को क्लास में नहीं बुलाया, अपने घर पे ही पढ़ाया जीएसटी, फिर क्या सप्लाई माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? फिर क्या सप्लाई माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? फिर सप्लाई नहीं माना जाएगा। अगर क्लासरूम में बुलाया, पर्पस था बिजनेस को बढ़ाना, सप्लाई माना जाएगा। किस फीस पर, क्या वैल्यू क्या ली जाएगी? कह रहे जयपुर सुभाष नगर, ये अंदर से तो बंदा है नालायक, कपिल शर्मा के शो में भी तो यही होता है। वाराणसी, सही बता रहे हैं, ओपन मार्केट वाले। चलिए जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अगला एग्जाम्पल सुनिए, अगला एग्जाम्पल। तो एक एग्जाम्पल, सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन। और आइए, एक एम्प्लॉय आ जाइए जी, एम्प्लॉय आइए, एक एम्प्लॉय आइए। मैं आज एक मोबाइल गिफ्ट करना चाहता हूं। मोबाइल कितने का है? मोबाइल है 1 लाख रुपए का। मैं 1 लाख रुपए का मोबाइल गिफ्ट कर रहा हूं। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को रिलेटेड पर्सन माना जाएगा। एप्पल का फोन मैंने गिफ्ट किया अपने एम्प्लॉय को। आ जाइए जी, ये मेरे एम्प्लॉय हैं। मैंने इन्हें एप्पल का फोन गिफ्ट किया, और बताइए, ये 1 लाख रुपए का है, क्या इसे सप्लाई माना जाएगा? शेड्यूल वन का सेकंड पॉइंट नोट पढ़ के बताइए, बताइए क्या लिखा हुआ। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को रिलेटेड पर्सन माना जाता है। रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ, कब एम्प्लॉयर एम्प्लॉई ने मैंने गिफ्ट दिया है, ये सप्लाई माना जाएगा अगर ये 50,000 से ऊपर का है। अगर 50,000 से कम का है, मैंने ये नहीं, मैंने इन्हें गिफ्ट में क्या दिया, मैंने इनको कैलकुलेटर गिफ्ट में दिया। लो जी, कैलकुलेटर ले जाओ, ये कैलकुलेटर एक जादूगर कैलकुलेटर है। बताइए, क्या ये सप्लाई माना जाएगा? ये 50,000 से कम का है, ये क्या है, 50,000 से
कम का है, क्या इसे सप्लाई माना जाएगा? नहीं, इसे सप्लाई नहीं माना जाएगा, इसे सप्लाई नहीं माना जाएगा। हां जी, और आइए, एक और बंदे को बुलायो जी। मैंने ये जो माइक है, माइक, ये माइक, इसका मैंने क्रेडिट ले रखा है। जब मैंने परचेज करी थी, इसके ऊपर जीएसटी का मैंने क्रेडिट ले रखा है। मैंने सोचा कि मैं नया माइक परचेज करता हूं, नया बैच है जीएसटी का, नए माइक से पढ़ाएंगे। तो ये जो पुराना माइक है, या तो मैं इसे बेच दूं, या मैं इसे अपने एम्प्लॉई को गिफ्ट कर दूं। मैंने इसे अपने एम्प्लॉई को गिफ्ट कर दिया, ये पुराना माइक मैंने इनको परमानेंट ट्रांसफर कर दिया और एक रुपया नहीं लिया। शेड्यूल वन का पहला पॉइंट पढ़ के बताइए कि क्या बिजनेस असेट को जिस पे आईटीसी ले रखा है, अगर मैं इसको फ्री में दे रहा हूं, क्या सप्लाई माना जाएगा? यस, ये क्या माना जाएगा? ये भी सप्लाई है। ये भी क्या है जी? ये भी सप्लाई है। एक और किसी को भेज दो। अब एक और बात करते हैं, एजेंट। एजेंट जो डीलर होता है, हमें दिखाएं जी, एक एजेंट की बात करते हैं। एक एजेंट है, मैं उसे अब क्या करूं, क्या दूं? मेरा काम है कैलकुलेटर बना बनाकर बेचना। ऐसे कितने एम्प्लॉयज हैं, फौज है हमारे पास जयपुर सुभाष नगर, चिंता मत करो। तो ये मेरा काम है, ये कैलकुलेटर बना बना के बेचना, लेकिन ये कैलकुलेटर मैं अपने एजेंट को देता हूं, वो आगे बेचता है, उसको मैं कमीशन देता हूं। कैलकुलेटर ये मैं किसे देता हूं? अपने एजेंट को देता हूं, और ये एजेंट उसे आगे बेचता है। आ जाए जी, आ जाए। हाँ हाँ बिल्कुल, ये हमारे एजेंट है, इनका काम है कैलकुलेटर बना बना के बेचना, और हम इसे कमीशन, हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ये कैलकुलेटर हम आपको 1,00,000 कैलकुलेटर हमने इनको दे दिया। लो जी, 1,00,000 कैलकुलेटर दे दिए। कितने के दिए? 10,00,000 रुपए के। आगे कितने में बेचोगे जी? हम आपको कमीशन देंगे। 10,00,000 का माल है, कितने में बिकवा दोगे? प्रॉफिट करवाना, नुकसान वुकसान मत कराना। 10,00,000 का कितना? नहीं नहीं 10,00,000 का माल दिया है, कितने में बिकवा दोगे? 11,00,000 में बिकवा देंगे। 11,00,000 दिखाओ जी, 11,00,000 का 90% करो, 11,00,000 का 90% करो, 9,90,000। कितना आया? 9,90,000। सुनो जरा ध्यान से, जो कैलकुलेटर मैंने इनको दिए, उनकी मार्केट वैल्यू है, सिमिलर कैलकुलेटर कोई और अगर देता तो वो देता 10,50,000 रुपए में। कितने में देता? 10,50,000 रुपए में। ये हो गई ओपन मार्केट वैल्यू। इसे क्या नाम देंगे? ओपन मार्केट में ये वाली वैल्यू मिल जाती। मैं अगर इनको ना देता, ओपन मार्केट में जो वैल्यू मिलती वो कितनी मिलती एजेंट से? 10,50,000 रुपए। ये आगे बेचने 11,00,000 में, 11,00,000 का हमने 90% किया, वो कितना निकल के आया? 9,90,000। एक बार शेड्यूल वन का थर्ड पॉइंट पहले पढ़ के बताइए, फिर मैं वैल्यू की बात करूंगा। मैंने प्रिंसिपल ने अपने एजेंट के पास ब्रांच ट्रांसफर किया है, मैंने बेचा नहीं है, ये तो मैं इनको तो कमीशन देता हूं, ब्रांच ट्रांसफर किया, क्या इसे सप्लाई माना जाएगा? एक बार देखिए, बताइए क्या इसे सप्लाई माना जाएगा? पढ़ के बताइए, प्रिंसिपल ने अपने एजेंट को, लो जी ये कैलकुलेटर दे दिए, क्या इसे सप्लाई माना जाएगा? हां, भले ही वो कमीशन एजेंट है, आज सेल टैक्स नहीं लगता, लेकिन भविष्य में इस पर क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा। भविष्य में इस पर क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा। और जानते हो वैल्यू क्या होगी? वैल्यू होगी ओपन मार्केट वैल्यू, या ये एजेंट जितने में आगे में बेचेंगे उसका 90%। 11,00,000 का 90%, ये 11,00,000 में बेच रहे थे, 90% कितना हुआ? 9,90,000।
या ओपन मार्केट वैल्यू कितनी थी? 10.5 लाख। इन दोनों में से इनकी मर्जी है, कौन सी लेना चाहेंगे? चलिए जी, थैंक यू।